ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी की शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, इसलिए वो औरत अपने नौकर से अपना फिजिकल डिजायर पूरा करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जो 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम घोड़ों की रेस को देखते हैं जिसमें क्लिफर्ड नाम का आदमी वो रेस जीत जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड इससे पहले भी कई बार ये रेस जीत चुका था। फिर क्लिफर्ड ये खुशखबरी अपनी वाइफ कोनी को देता है और कहता है कि आज रात इस खुशी में पार्टी होगी। फिर पार्टी में क्लिफर्ड को पता चलता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जंग छिड़ चुकी है। अब यह सुनने के बाद क्लिफर्ड को भी जंग में लड़ने जाना पड़ता है, पर उस जंग में उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वो लड़ाई के दौरान घायल हो जाता है, जिस वजह से उसका आधा शरीर अपंग हो जाता है, इसलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहता है और कोनी उसका ख्याल रखती है। पर क्लिफर्ड से अब बेड पर कुछ नहीं हो पाता था, इसलिए कोनी की शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि मेरे लिए तुम अपनी लाइफ खराब मत करो, मैं तुम्हारी जरूरतें चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम्हें कोई आदमी पसंद आता है तो तुम उसे प्यार कर सकती हो और मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो उसको मैं अपना वारिस बनाऊंगा। ये सुनकर कोनी उसे कहती है कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक नौकर आता है जिसका नाम ओलिवर होता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि मुझे घर तक छोड़ दो, तो ओलिवर क्लिफर्ड को घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ ओलिवर को कोनी बहुत पसंद आ जाती है। जब ओलिवर जाने लगता है तब वो मुड़ मुड़ के कोनी को देखने लगता है। फिर एक दिन क्लिफर्ड की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, पर डॉक्टर के बदले एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बोल्टन था। जब वो क्लिफर्ड का इलाज कर रही थी तब क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ओलिवर से मिलकर पता करो कि अंडे अच्छे हैं या नहीं। तो कोनी ना चाहते हुए भी वहाँ जाती है, जहाँ पहुँच कर वो देखती है कि ओलिवर अपने कपड़े उतार कर अपने बॉडी को साफ करा होता है। ओलिवर की ऐसी हालत देख कर कोनी को कुछ कुछ होने लगता है, वो बस उसकी बॉडी को देखती रह जाती है और उसे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है तो क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि ओलिवर उसे मिला ही नहीं। अब वो नर्स भी क्लिफर्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ रुक जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में सोने जाती है तब उसे बार बार ओलिवर का ही ख्याल आता है, वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही थी और वो उसके ख्यालों में खो जाती है और अपनी बॉडी को टच करने लगती है। अगले दिन क्लिफर्ड उसे फिर से अंडे देखने भेजता है, लेकिन जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता। वो समझ गया था कि कोनी उसे क्या चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई अफेयर हो, क्योंकि वो उनका एक आम नौकर था। इस वजह से कोनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगली बार जब वो ओलिवर से मिलती है तो ओलिवर उसे अपने कॉटेज की चाबी दे देता है। अब वो जब चाहे पक्षियों को देखने आ सकती थी। अब वो हर रोज ओलिवर के पास जाने लगी, वो बस ओलिवर को देखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उन्हें नन्हे चूजे दिखाता है जिन्हें देखकर वो रोने लगती है। दरअसल उनका कोई बच्चा नहीं था और क्लिफर्ड की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब होगा भी नहीं। तब ओलिवर उसके पास आता है और उसे सीने से लगाता है। यहाँ वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन इसके बाद कोनी को काफी गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से भागने लगती है। उसे आता देख मिस बोल्टन भी देख लेती है। इसके बाद वो कई दिनों तक ओलिवर से नहीं मिलती। वो उसे प्यार तो बहुत करती थी पर वो जानती थी कि ये गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ ओलिवर भी कोनी को देखने के लिए तरस गया था और एक दिन वो कोनी के घर तक आता है इस उम्मीद में कि उसे एक बार कोनी दिख जाए। उसे कोनी तो नहीं दिखती पर मिस बोल्टन उसे घर के बाहर देख लेती है। एक दिन जब कोनी घर के बाहर बैठी थी तब ओलिवर उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है। इस पर कोनी उसे कहती है कि नहीं। फिर वो उसे जंगल में ले जाता है जहाँ दूसरी बार वो दोनों प्यार करते हैं। एक दिन ओलिवर क्लिफर्ड के घर आता है जहाँ कोनी उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ क्लिफर्ड आता है। वो ओलिवर से पूछता है कि क्या हुआ, तो ओलिवर कहता है कि मैंने दो शिकारियों को पकड़ा है जो अवैध शिकार कर रहे थे। पर यह क्लिफर्ड को कोनी और ओलिवर पर शक हो जाता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि उन शिकारियों पर मुकदमा चलाओ, लेकिन इस पर कोनी कहती है कि उन्हें छोड़ दो। क्लिफर्ड कहता है कि मैं एक शर्त पर उन्हें छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर उन दोनों को पीटे तो, वरना ओलिवर को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ओलिवर ना चाहते हुए भी उन दोनों को पीटता है। एक दिन जब कोनी ओलिवर से मिलने जाती है तो वो ओलिवर को बताती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर कहता है कि क्लिफर्ड का क्या होगा,
तो कोनी उसे कहती है कि मैंने उसे बात की है, वो एक बच्चा और वारिस चाहता है। तब ओलिवर पूछता है कि क्या वो हमारे बारे में जानता है। इस पर कोनी कहती है कि नहीं, वो कहती है कि मैं जानती हूँ, जब हमारे बारे में उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है। वो कोनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात मेरी कॉटेज में बिताओ। जब कोनी घर जाती है तो मिस बोल्टन को कोनी के सर पे एक घास का तिनका दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। पर इसके बावजूद भी कोनी ओलिवर से मिलना जारी रखती है। वो ओलिवर से कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे कॉटेज में जरूर बिताऊंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं क्लिफर्ड को छोड़ नहीं सकती, उसे मेरी जरूरत है। वो ये भी कहती है कि वो जानता है कि मुझे किसी की जरूरत है। ओलिवर कहता है कि तुम अगर उसे मेरे बारे में बताओगी तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। वो कहता है कि मैं एक नौकर हूँ और वो कभी नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा उनका वारिस बने। जब कोनी वापस आती है तब शाम ढल जाती है। क्लिफर्ड उसे वापस आते देख लेता है। तब कोनी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। पर असल में वो जानता था कि कोनी और ओलिवर के बीच अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उनकी इंसल्ट करने ओलिवर के पास जाता है। पर ओलिवर अपने घर ना होकर क्लिफर्ड के घर के पास होता है। वो कोनी से कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ बिताओगी, तो वहीं दूसरी तरफ क्लिफर्ड जानबूझकर अपना ट्रिपल सीटर कीचड़ में फंसा देता है और फिर कोनी को आवाज लगाता है। वो कोनी से कहता है कि तुम धक्का लगाओ। इस तरह से वो कोनी पर कीचड़ उछलता है और इसके बाद वो ओलिवर को आवाज लगाता है और उसके साथ भी सेम वैसा ही करता है। इस रात क्लिफर्ड के सो जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास जाती है और वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहां वो दोनों प्यार करते हैं। यह क्लिफर्ड की रात को नींद उड़ जाती है और उसे लगता है कि कोनी घर पर नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से कोनी के कमरे तक पहुंचता है जहां वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं थी। जब सुबह होती है तब क्लिफर्ड कोनी को घर आते देख लेता है। तब कोनी उसे कहती है कि तुमने ही कहा था कि तुम कोई आदमी पसंद करो। क्लिफर्ड कहता है कि हाँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम एक नौकर ओलिवर से रिश्ता बनाओ, सोचो अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो। अब इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को काम से निकाल देता है। जब वेनिस में कोनी अपनी सिस्टर के साथ होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो फिर से क्लिफर्ड के पास आ जाती है जहां उसे पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया। तो वो उसे ढूंढने जाती है और वो ओलिवर को ढूंढ लेती है। वो ओलिवर को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन ओलिवर उसे कहता है कि तुम्हें एक बच्चा और एक वारिस मिल गया है, तुम अपने घर चली जाओ। पर कोनी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि हम तुम्हारे खेतों से अपना गुजारा कर सकते हैं, तो ओलिवर उसकी बात मान लेता है। और इस तरह क्लिफर्ड के घर के दरवाजे कोनी के लिए हमेशा बंद हो जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी